नमस्कार आदाब। बाद मुद्दे की मैं आपका स्वागत है, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीक। यूपी में कौमी एकता दल के विलय के साथ शुरू हुआ चाचा भतीजे का सियासी दंगल, सीएम अखिलेश की पार्टी से बर्खास्तगी और वापसी तक पहुंच गया। आखिर लगभग 24 घंटे चले इस सियासी ड्रामा का फार्मूला सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने निकाल ही लिया, लेकिन राजनीतिक पंडित यह मानते हैं इस रात की सुबह अभी नहीं हुई है। रविवार को सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी का अधिवेशन बुलाया है, अब देखना है इस विवाद का अंत कैसे होता है। हालिया रिलीज फिल्म दंगल की कहानी के तर्ज पर बेटे के दांव पेच के बाद पापा मुलायम एक बार फिर बेटे को चुनावी दांव पेच सिखाने को तैयार है, अब देखना है पुत्र को मेडल हासिल होता है कि नहीं। वैसे चैंपियनशिप का खिताब तो अखिलेश के नाम है। फिलहाल लगता है सपा के दंगल का हैप्पी एंड हो गया है। यही है हमारा आज का विशेष दंगल। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में मचा घमासान अब थम गया है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद अखिलेश यादव के शक्ति प्रदर्शन के आगे मुलायम यादव ने घुटने टेक दिए हैं और निष्कासित किए सीएम अखिलेश और रामगोपाल की पार्टी में फिर से वापसी हो गयी। सपा परिवार में सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामे का दौर चला, जहां चाचा भतीजे और पिता मुलायम के बीच मुलाकातों का सिलसिला चला। वहीं लालू यादव ने फोन पर अखिलेश और मुलायम को समझाइश देकर मामले को सुलझाने की बात कही। इस बीच आजम खान ने अखिलेश और मुलायम के बीच सुलह की मध्यस्थता की। बैठकों के बाद जब अखिलेश ने आजम खान के साथ मुलायम सिंह से मुलाकात में समर्थकों की लिस्ट सौंपी तो लिस्ट में अखिलेश का पलड़ा भारी दिखा। स्वीकार करे, हम लोग का यही कहना है, जो शिवपाल यादव जी ने टोना टुटका करके उनके नेताजी का बुद्धि भ्रमित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग गायत्री यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से उस टोने टुटको को खत्म करना चाहते हैं और नेताजी को भगवान सद्बुद्धि दे। इस उत्तर प्रदेश का नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता को कोई रोक नहीं। अखिलेश ने पिता के सामने सुलह के लिए अमर सिंह को पार्टी से निकालने की शर्त रखी और 12 सितंबर से पहले के हालात बहाल करने की मांग की। अखिलेश यादव की इन शर्तों के बाद मुलायम सिंह ने अपने भाई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को फोन कर अपने घर बुलाया और फिर थोड़ी देर बातचीत चलने के बाद बैठक खत्म हो गई और ऐलान हुआ अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। वहीं शिवपाल के तेवर भी नरम दिखाई दिए। सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये आदेश मिला है मुझे और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे और तय करके सब लोग मिलकर के 2017 के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लेंगे। समाजवादी परिवार में आया भूचाल फिलहाल थमता नजर आ रहा है। मुलायम सिंह सुबह बुलाई विधायकों की बैठक से ये भाव चुके थे कि अब अखिलेश की वापसी ही पार्टी में नई जान फूंक सकती है। ऐसे में कठोर हुए मुलायम फिर से मुलायम हो गए और सीएम अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन 24 घंटों में वापस ले लिया गया। ऐसे में देखना होगा कि टिकट बंटवारे पर किसकी लिस्ट को तरजीह दी जाती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। एक बार मंत्री पद से शिवपाल की बर्खास्तगी, फिर रामगोपाल की बर्खास्तगी, फिर वापसी, फिर बर्खास्तगी,
और फिर एक मंच पर सभी का एकजुट खड़े होना, उसमें समाजवादी परिवार के सारे लोग मौजूद, चाहे वो लालू यादव हों या नीतीश कुमार। लेकिन इसके बाद फिर एक बार ये सियासी भूचाल आया, समाजवादी पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं को कुछ समझ में ही नहीं आया, सब सड़कों पर आ गए। लेकिन इस सब के बीच अखिलेश यादव ने अपना लोहा मनवा ही दिया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता शिशुपाल यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपचंद यादव, रमेश शर्मा राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिशुपाल, अंत भला तो सब भला, आपको क्या लगता है इस विवाद का अंत हो गया? बिल्कुल, ये किसी भी तरह का विवाद नहीं था। ये तो पार्टी में जो डिसीजन माननीय रामगोपाल जी ने लिया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय अधिवेशन का आदेश सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी ने इस तरह का कोई भी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं किया था, ना कोई ऐलान किया था उन्होंने। और उन्होंने क्या है कि जब उसको अनाउंस कर दिया कि नहीं, हम ये राष्ट्रीय अधिवेशन की उन्होंने डेट भी तय कर दी और स्थान भी तय कर दिया बगैर अनुमति लिए, तो जो जिस तरीके से नेताजी को लगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता हुई है, तो माननीय रामगोपाल जी को उन्होंने निष्कासन का जो आदेश सुनाया वो पार्टी के एक एजेंडे के तहत 24 घंटे के अंदर अनुशासनहीनता समाप्त हुई। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही अनुशासनहीनता। अब उसके बाद उन्होंने को लगा कि नहीं, अखिलेश भैया भी इसमें शायद शामिल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शायद इसमें कुछ सहयोग दिख रहा है, तो उनको हाँ, इस तरीके से उन्होंने इस तरीके जब उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने फिर निर्णय ये सुना दिया। और बाद में उनको लगा कि नहीं, इसमें जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो बीच में कुछ बिचौलिए लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो ये गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, और उसके लिए उनको हम भी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जो कहीं ना कहीं दलाल लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, माननीय नेताजी को चाहिए कि इस तरह के दलाल लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं वो दलाल लोग कर रहे हैं। और हमने भी आज पत्र लिखा है माननीय नेताजी को, और हमने भी कहा है कि नहीं, ये जो गैर जनाधार वाले जो लोग हैं, जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मतभेद पैदा करने का काम, मेरा वही है आपसे, मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं जी। मेरा सवाल आपसे वही है, क्या अंत हो गया इस सारे विवाद? बिल्कुल अंत हो गया, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। देखिए, माननीय अखिलेश जी ये चाहते थे, माननीय अखिलेश भैया ये चाहते थे कि उनकी जो सूची है, अच्छे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए, उसमें सूची को लेकर विवाद नहीं था। उन्होंने अपनी सूची दी थी, और यहाँ पर माननीय नेताजी ने अपनी सूची जारी की थी कि ये लोग कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, और जो सूची माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी की गई थी उसमें मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट जारी की थी कि इन कैंडिडेटों को हमारी स्वेच्छा से हम इन कैंडिडेटों का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उस पर सहमति भी हो जाती। लेकिन ये अचानक इस तरह का ये राष्ट्रीय अधिवेशन वाला जो निर्णय आया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा। इसलिए उन्होंने सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या बिल्कुल अंत हो गया इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी को कोई नहीं तोड़ना चाहता था, ना समाजवादी पार्टी कभी टूटेगी। जो इस तरह के लोग हैं जो मतभेद पैदा करते हैं, बीच में आकर कुछ गलत है जिसके कारण कहीं नहीं, और उसमें जर्मन ने आकर ये निर्णय जो करवाया है उसमें बैठ के दूर किया है, और उन्होंने एक सेतु का काम वहां पर किया है। उनका आभार व्यक्त करते हैं। सारे घटनाक्रम को हम दिन भर दिखाते रहे हैं, अब तो हम आगे क्या होने वाला है उस पर चर्चा करें, इसका नफा नुकसान क्या है वो समझें। पार्टी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा एक बार फिर। दीपचंद यादव, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के सूत्रों से कल ये खबरें आती रही कि आप अगर सरकार अल्पमत में आती है तो आप समर्थन करेंगे। फिर ये लगा कि तीन युवा नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और RLD के, ये सारे लोग मिलकर युवा लोग एक बार कुछ गठबंधन बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह की ही बातें हुई। क्या लगता है अब, आप क्या देखते हैं संभावनाएं अपनी? देखिए रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं जी। और जहां तक यूपी में जो आज और कल जो पूरा घटनाक्रम चला और कल होने वाला है, उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये
समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें तो हम कोई दखल दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव का नेतृत्व क्षमता और उन पार्टी में उनकी पकड़, पार्टी में पकड़ और साथ ही उनके कार्यकर्ता, उनके जो साथी लोग हैं, उनका उन्होंने विश्वास प्राप्त कर लिया है। ये एक बड़ी इस पूरे घटनाक्रम की उपलब्धि मानी मतलब जैसे मैं दंगल दंगल फिल्म की बात कर रहा था, तो जो नेशनल चैंपियनशिप है वो जीत लिया, गोल्ड मेडल लाना बाकी है इंटरनेशनल। दूसरी चीज है, इसके अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियों को से मुकाबला करने के लिए जो लालू जी का एक रोल रहा, आजम खान का, अबू आजमी का और इन लोगों का, और फिर इसके बावजूद ये जो पार्टी में एकता लाने के ये प्रयास किए गए, वो मैं समझता हूँ कि अनुकरणीय है और सराहनीय है। बिल्कुल, आप अपनी संभावना क्या देखते हैं साहब? मेरा सवाल आपसे आपकी संभावनाओं पर। देखिए, मैं अभी राजनीति में संभावनाएं सब चीज की होती हैं, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर होने में, प्रत्याशियों का चयन होने में, उनकी सूची फाइनल होने में अभी काफी समय है, तो अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। बिल्कुल, चलिए। चेतन सिंह, आप तो सरकार अल्पमत में आ गई और इस्तीफा दे दे यहां तक पहुंच गए थे, क्या लगता है आपको, अब ये समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया इसका? मुझे तो लगता है रिजवान भाई जी, कि जिस प्रकार का यह पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जी, अब सारे लोगों को इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग हट करके इस पारिवारिक वोट के ड्रामे को छोड़ देना चाहिए जी, क्योंकि 24 साल फिर 24 घंटे के अंदर सब वापस, आपस में गलत फहमियां थी वो खत्म हो। अरे भैया, घर में डिसाइड करके निकलो ना, किसने मना किया आपको? दरअसल रिजवान भाई, जो सरकार की विफलता है उससे इसकी जनता का ध्यान हटाने के लिए और एक सोशल नीतिकार के तहत आजकल जो ब्रांडिंग का एक मसला चला है जी, आप भी थोड़ा सा सोशल इवेंट मैनेजमेंट जी जी थोड़ा सा आप अपना ईमेल खोल करके देखिए, उस पर सारा मैनेजमेंट का फंडा आया है जी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कमोबेश, और ऐसे राजनीति के धुरंधर नेता जहां माननीय मुलायम सिंह जी, सच में मैं बीजेपी में होने के बाद भी माननीय मुलायम जी का बहुत सम्मान करता हूं, इस तरह के मैनेजमेंट में शामिल हो जाएंगे, इन सारी चीजों से प्रभावित पुत्र में इतने आ जाएंगे कि इसको करने की से, मुझे लगता है कि अब इसका जवाब तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता देगी कि उस साइकिल बन तो गई है, उसका पंचर ठीक किया गया है, लेकिन उस पंचर को कितने देर कितना लोड सहेगी कह नहीं सकते, क्योंकि हसरत वाले जहां निजा हो जाए वहां पर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस परिवार का संगठन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में, जो अभी आप शिशुपाल जी से पूछना चाह रहे हो और ये कह नहीं पा रहे हैं, अभी कई पॉलिटिकल ड्रामे हमको और देखने पड़ेंगे। आजम खान कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर है जी, और वाकई में चेतन जी लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट जुड़ गए। आरसी भट्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरसी भट्ट, आप लगातार इस सारे घटनाक्रम पर कौमी एकता दल के विलय से लेकर आज तक, और चाचा भतीजे के बीच के जो मतभेद हैं, आज जो निर्णय हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किनारे करना चाह रहा है, और ये उनका खुद का आरोप रहा है, जब भी वो कहीं न कहीं वो पार्टी में लाने के खिलाफ रहे हैं, और वही मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव जिताऊ कैंडिडेट को लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। 5 साल से लगातार उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, साफ आगे बढ़ाना है, 2017 में भी सरकार बनानी है, और मुद्दे खासतौर पर जो है उसको लेकर जो है एक बड़ा जो है फैसला हुआ, और उस फैसले का परिणाम आज सभी ने देखा कि जो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव हैं, उनको खुद बैकफुट पर आना पड़ा और कहीं ना कहीं एक समझौते की राह पे जाना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से बगावती मूड में राजनीति है, तकरीबन 5 चूल्हे हिल गई, और मुलायम सिंह को भी लगने लगा कि हमको कहीं ना कहीं अपने बेटे के साथ समझौता करना पड़ेगा, और नतीजा आज ये हुआ पर तमाम चीजों को समझने पर वो आगे बढ़े और निष्कासन का फैसला रद्द हुआ। हालांकि रामगोपाल द्वारा पहले से जो है जो खासतौर पे इमरजेंसी अधिवेशन बुलाया गया है जनेश्वर मिश्रा पार्क में, वो पहले से तय था और कॉल दी जा चुकी थी, तमाम कार्यकर्ता ऐलान कर फिर भी बातचीत मुलायम सिंह से हुई, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह वो अधिवेशन नहीं चाहते थे और उन्होंने अवैधानिक भी बताया था इस बात को, लेकिन उसके साथ साल ने पुनः इस बात का सीधे तौर पर दोहराया कि वो अधिवेशन किया जाए,
अब उसमें सलोक एकता की बात कर रहे हैं, जिस तरह से शिवपाल यादव निकासन वापस हो गया है अखिलेश यादव का, राम गोपाल यादव क्या लगता है कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है? निश्चित रूप से अब सारे लोग जो है अब निष्कासन वापस हुआ है, अधिवेशन में आना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को भी, शिवपाल यादव को भी। पार्टी की टूटन कहीं ना कहीं आज वो उससे रुक गया है, तो कल जो तकरीबन 11 बजे के आसपास जुटेंगे और कहीं ना कहीं एकजुटता को दिखाने का जो है वो एकत्रीकरण की वो वजह बनेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रमेश जी, आप क्या देख रहे हैं? सारा कुछ कोई कुछ कहता है, लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने अपना लोहा तो मनवा ही दिया, कहेंगे क्या? निश्चित रूप से ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं यादवी संघर्ष हमारे यहाँ पल कुटुंब में ही बहुत मशहूर है और वो उसका एक हिस्सा था, लेकिन इससे एक पॉलिटिकल लाभ भी हुआ है। समाजवादी पार्टी जो इनकम्बेंसी थी, सरकार के कामों के प्रति नाराजी थी कार्यकर्ताओं में, उसका भाव एकदम अब अलग हो गया। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेंगे और एकजुटता का पारित करके और सरकार ताकत से बने, इसी का प्रस्ताव वो लेकर आएंगे, तो एक पॉलिटिकल लाभ उन्होंने किया कि खत्म हो करके अब संगठन को कैसे एकजुट किया जाए और संगठन को कमजोर करने वाले ताकत उन लोगों से किस प्रकार मुलाकात। जो सूची आएगी वो टिकट वितरण की सूची कैसी आ पाती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। समाजवादी पार्टी के भावी नेता इस सारे संघर्ष में स्थापित हो गए। बिल्कुल, अब तो मांग ये तक उठने लगी है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, इस तरह की भी चीजें आप आवाजें उठने लगी। निश्चित रूप से ये आवाजें उठना बहुत स्वाभाविक है। आप अगर देख लें किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी परिवार में, किसी भी औद्योगिक घराने में, कहीं भी एक सीमा के बाद, उम्र की सीमा के बाद लोग पसंद नहीं करते। इसलिए तो भारत में वानप्रस्थ की उन्होंने परंपरा लागू कर दी थी कि भैया स्वेच्छा से पर ही राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने स्वयं समाजवादी पार्टी का संविधान बनाया, वो इतने तो उनकी बात में ज्यादा वजूद दम है। और एक मुख्यमंत्री होते हुए एक घर की पार्टी है, चाहे जिसको वो बना ले उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि राजनीति करना है तो राजनीति शुचिता के साथ करिए, प्रदेश की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज आप सरकार में हो, आप सरकार के दायित्वों का निर्वहन करिए, जनता की सेवा करिए, लेकिन आप पॉलिटिकल ड्रामे में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हाशिए पर चला गया है, मुझे लगता है प्रदेश की जनता सब देख रही है। ये बात सही है, रमेश शर्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सारी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने का काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता हमसे और आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। अभी भी अपनी संभावना आपको, भारतीय जनता पार्टी की संभावना समाजवादी पार्टी से न तो घटती है न बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना एजेंडा है, अपना जनाधार है, अपने कार्यकर्ताओं की जनता का आशीर्वाद है। और आप देखते जाइए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार क्या लगता है। चेतन सिंह, वैसे सपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन आपको क्या लगता है, नेताजी को संरक्षक होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए? रिजवान भाई, मैं तो नेताजी को एक बहुत ही संघर्षशील कर्मठ नेता मानता हूं। वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सम्मान उनका बना रहे, मैं तो इतने ही सम्मान बना रहे और प्रसन्न रहे। बिल्कुल जी, प्रसन्न तो अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने पर ही होंगे। चलिए दीपचंद जी, आप जल्दी से आप भी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। एक तो कहा जा रहा है कि नेताजी का भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपना एक नीति बना ली है कि नौजवानों को लेकर के आना है, आप, और आप भी इनकी नीति आडवाणी जी को भेज देना, इनकी नीति पर आप भी चल रहे हैं, बाबूलाल गौर को भेज देना चाहिए, तो उनको मैं समझता हूँ अंदर से तो वो खुश होंगे, इसीलिए शायद चेतन सिंह कुछ कहने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे घटनाक्रम से अखिलेश जी का एक तो ये छवि के वे उनसे वो ताकतें जो दागियों के खिलाफ असामाजिक तत्व है उनसे समझौता नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उनकी ये निर्णय लेने की क्षमता जो है, परिपक्वता है जो है, उन्होंने उसका लोहा मनवा दिया। और यही नहीं, कल अगर आपने अतीक साहब का बयान पढ़ा हो कि उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, लेकिन नेता हमारे मुलायम हैं और अगर पार्टी के लिए उसके लिए अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं नहीं लड़ूं, ये कहीं ना कहीं ये हृदय परिवर्तन है। दूसरी अतीक अहमद जैसे बाहुबली का भी हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। दूसरी ये अखिलेश है, राम गोपाल जी ने नोट का, सूचना पत्र का और एकदम लंबन का, निष्कासन का, जो एक संवैधानिक प्रश्न उठाया था
कल भी मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसको बैकफुट पे आ गए हैं और उनको वापस जाना मुझे आपको हुआ। मुझे आपको रोकना पड़ेगा। शिशुपाल जल्दी से आप अपनी बात कहें। हमारे साथी चेतन सिंह जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, तो ड्रामा देखिए ऐसा है, ये कहीं से कहीं तक कोई ड्रामा नहीं है। जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं कि कहीं काजी को गलत लगा क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहां पर उन्होंने एक्शन लिया क्योंकि वो हमेशा ये इस तरीके के निर्णय लेते आए हैं, वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं। बात इन्होंने कही कि घर में बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी का मामला है तो घर में बात कैसे कर लेना चाहिए। और जिन चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, अगर उनके फेवर में कोई चीजें नहीं लग रही हैं, तो वो भी अपने हिसाब से अपने रास्ते अपनाने की बात करते हैं, वो भी अपना चुन सकते हैं कि वो उनकी लोकप्रियता के कारण उन्होंने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, जो विकास की एक लहर चलाई उन्होंने, लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ के आए और उनके चेहरे पर चुनाव हो उत्तर प्रदेश में। और ये बात समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को समझ में आई, इसीलिए अबू हाजमी जी ने भी कहा कि नहीं, उनको कैसे भी करके उनको निलंबन किया जाए, उनको वापसी की जाए। मध्य प्रदेश में आज हमारे यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम से लगी हुई है, हमने नेताजी को मेल किया है, या पॉलिटिकल ड्रामे की इन्होंने जो बात की है, पॉलिटिकल ड्रामा तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हूँ, उन्होंने नोटबंदी करके पॉलिटिकल ड्रामा, उसमें अब इस तरह का नेता और अभिनेता शब्द का भी बड़ा काम अंतर है। तो मैं अब आपको रोकना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहता हूं। जो विघटन के लिए बुलाया गया था अधिवेशन, अब वो संगठन के लिए होगा? निश्चित रूप से वो अब संगठन के लिए होगा, और वो संगठन समाजवादी पार्टी को लाभ ही पहुंचाया और चल गया। जो 24 घंटे के अंदर जो निर्णय लिए हैं वो पार्टी को मजबूत करेंगे, समाजवादी पार्टी को। पहले पापा की डांट और फिर पापा का दुलार, कुछ इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े। दीपचंद यादव आप हमारे साथ जुड़े, बेटा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि दंगल फिल्म तो सुपरहिट हो गई, अब सपा की ये फिल्म पहुंच गया है जिसमें निष्कासन ने अब शायद चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा, और कल जो अधिवेशन बुलाया गया है वो शायद समाजवादी पार्टी की मजबूती का आधार की गर्म छुपा हुआ है कि भविष्य में होने क्या वाला है। विरोधी इसको भुनाएंगे, और अखिलेश ने अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में साबित किया है उसका भी देखिए तो क्या फायदा होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पार्थो आयुर्वेदिक तेल, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग हस्ती मिटती नहीं, हमारी देशवासियों ने जी करके दिखाया है।